किसी खुशफहमी में मुब्तला होकर बात नहीं करता, मैं खार नहीं साहब की तकलीद नहीं करता, तकलीद करता हूं सीस्तानी साहब की, मगर जो हकीकत है वो बताने जा रहा हूं। और भैया पहली बात तो ये है कि हमारे मराजे में कोई इख्तलाफ है ही नहीं, हमारे मराजे में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो सीस्तानी ने कहा वही मकारिम शिराजी ने कहा, जो मकारिम शिराजी ने कहा वही शहीदुल हकीम ने कहा, जो शहीदुल हकीम ने कहा वही शेख फैयाद ने कहा, जो शेख फैयाद ने कहा वही सादिक शिराजी ने कहा, जो सादिक शिराजी ने कहा वही नसरुल्ला ने कहा, जो नसरुल्ला ने कहा वही खान नहीं ने कहा। क्यों? इसलिए कि हमारे मराजे शकीफा के नायब नहीं है, इमामत के नायब है। दस्तरखान
रिस्क बढ़ रहा है, हुसैन रिस्क दे रहा है। एक तोहफा दे दू आज की शब का, मेरे अल्लाह का लकब है इन्नल्लाहा यरज़ुको मन यशाओ बगैर हिसाब। बड़ा झूम कर पढ़ूंगा, अल्लाह का टाइटल क्या है, अल्लाह की सिफत क्या आ जाओ है, क्या है आराम कर लो कोई बात नहीं, एक दिन से आराम देती है। क्वालिटी क्या है, रिस्क तो आप ही देते हैं भाई, चौकीपुरे में नहीं मिल रहा है, होटल वाले भी दे रहे हैं, पैसा लेते हैं मगर दे तो रहे हैं, और ठीक ठाक दाम पर ही दे रहे होंगे क्योंकि कमीशन ओमिशन का तो कोई मामला नहीं है ना, दे रहे हैं सही। चलो भाई कोई बात नहीं, रिस्क तो वो भी दे रहे हैं, रिस्क मुझे मेरा बाप भी देता है, आपके वालिद की राम भी, आपकी वालिदा भी, मगर हर रिस्क का हिसाब है, हर रिस्क का हिसाब है। सुनिएगा अब आप भी हिसाब, हुकूमत बन गई आगे तो फूड मिनिस्टर भी तो होता है, वो सालाना रिपोर्ट देता है कि साल भर में कितना रिस्क खर्च हुआ और कितना बचा, गोडाउन में कितना है, शुगर इतनी खत्म हुई, चावल इतना खर्च हुआ, और साफ गेहूं आता है कि नहीं, रिपोर्ट आती है सालाना, अमरीका रशिया, तो इसका मतलब ये कि कोई भी मुल्क रिस्क तो देता है, बेहिसाब नहीं देता, खुदा जाने आप कहां होंगे। तो अब मुझे प्रूफ करके बताओ कि खुदा बगैर हिसाब रिस्क कैसे देता है, बगैर हिसाब का मतलब जिसका हिसाब ही ना हो। हर मुल्क की फूड मिनिस्ट्री हिसाब रखती है, इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, एक ही ज्यादादार इतना रिस्क खर्च करते हैं कि किसी के पास हिसाब नहीं है। ये मेरे हाजी जहरा के शोहर, जहरा के शोहर हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, ईमा का समंदर, एक अर्श मरी